रामबंस कोचिंग सेंटर में मैं सूरज मौर्य सम्राट आप सबको आज बताने जा रहे हैं सेंड मार क्रिया। कक्षा 12 का जो टॉपिक है सेंड मार क्रिया किसे कहते हैं। सेंड मार क्रिया वह क्रिया है जब हम किसी डाई एजोनियम लवण के विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड क्यूप्रस साइनाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एजो समूह क्रमशः क्लोरो ब्रोमो साइनो से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो इस अक्रिया को सेंडमायर अक्रिया कहा जाता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को BDC के नाम से जाना जाता है जिसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl N2 पे प्लस और Cl पर माइनस। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो आपका क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl बनता है। देखिए ये आपके पास BDC है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई तो आपका बना क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक इसी प्रकार यदि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो आपका ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है प्लस नाइट्रोजन गैस बनता है प्लस HBr। ठीक इसी प्रकार हम जब हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्यूप्रस साइनाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे आपका साइनोबेंजीन बनेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सेंड मार क्रिया किसे कहते हैं। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है नाइट्रोजन गैस बनता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इस क्रिया को हम लोग सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसी प्रकार गाटरमान अभिक्रिया भी होता है केवल आपका उत्प्रेरक चेंज हो जाता है। यदि हम उत्प्रेरक को कापर का चूर्ण ले लेते हैं तब पर भी आपका वही प्रोडक्ट बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। गाटरमान अभिक्रिया वह क्रिया होती है जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कापर के चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड या ब्रोमाइड या साइनाइड के साथ कराते हैं तो आपका यदि क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है साइनाइड के साथ कराते हैं तो साइनोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे और अभिक्रियाएँ कक्षा 12 के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए जो भी कमियां हो कमेंट करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।